सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम भरवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है। हकीकत पसंद हो के बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा नहीं पा रहा। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। सनातन धर्म में देवियों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में देवियों को सर्वप्रथम ये पूरे विश्व का अधिकार दे दिया गया है। पर इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बिस्तर गर्म करने का सामान। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बच्चा पैदा करने की मशीन। हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं। यूरोप के लोग हैं और लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर को, ये देखे दरमियान में क्या वजूहत है? सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज़ हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए, हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं। तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर सही है। इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं, हर मतलब है कि हर काम में माने जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे टूरिज्म हो, कुछ भी हो। इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना, वो जे ही हो रही है हर जगह। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है? हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया का है। असल में हम उनका आधा कल्चर अपनाते हैं, आधा नहीं अपनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो इजी होता है वो हम अपना लेते हैं। जो एंजॉय के लिए होता है और मजहब से रिलेटेड भी नहीं होता वो हमें अपनाते हैं। वो हम अपनाते हैं और जो नहीं अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाते हैं। जैसा कि देखे ना, हिंदू जो हो अपने मजहब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं। ठीक है, हमें तो एज ए मुस्लिम इस चीज़ का ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते। जो और वो दूसरी बात है कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। ठीक है, अब ये कल्चर भी हम अडॉप्ट नहीं करते। हम वहाँ उनके जो गलत कल्चर है सारे अडॉप्ट करते हैं, जो उनके रियल अच्छे कल्चर है जो दुनिया को पसंद आते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं
तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी ना इन्वेडर्स आए ना, आप एज मुस्लिम हैं, हाँ वो कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है, ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों में बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये आपको जायजा लेना चाहिए, ठीक है, इसके क्या वाकई वो हीरो हैं और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। ठीक है, ये आपको जायजा, ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला खैर, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी, वो इतने बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो नॉट अ बिग डील। यस, पाकिस्तानी मीडिया और लोग हाल ही में उस समय हैरान रह गए जब एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया जिसमें विदेशी लड़कियों को हिंदू भजनों पर नाचते और गाते हुए दिखाया गया। वीडियो तेजी से वायरल हो गया जिससे दर्शकों के बीच सदमे और आक्रोश का मिश्रण फैल गया। कई लोगों ने पाकिस्तान में एक अलग संस्कृति के धार्मिक गीतों का प्रदर्शन करने वाले विदेशियों की उपयुक्तता पर सवाल उठाया। कुछ लोगों ने स्थानीय समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अनादर करने के लिए लड़कियों की निंदा की, जबकि अन्य ने उनकी प्रतिभा और रचनात्मकता की प्रशंसा की। वीडियो ने सांस्कृतिक विनियोग और कलात्मक अभिव्यक्ति की सीमाओं के बारे में चर्चा फिर से शुरू कर दी। विवाद के बावजूद विदेशी लड़कियां प्रतिक्रिया से बेफिक्र दिखीं और संगीत और नृत्य के प्रति अपना प्यार साझा करती रहीं। जैसे जैसे बहस बढ़ती जा रही है, एक बात स्पष्ट है, इस वीडियो ने निश्चित रूप से पाकिस्तान में बातचीत को जन्म दे दिया है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या उनका टैलेंटेड है, उनका ह्यूमन पोटेंशियल? तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर आप बात करें हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या, फॉर एग्जांपल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उसमें नहीं जा रहा, ये कॉइन की हुई वो उसके खास पॉलिटिकल मीनिंग है, मैं उसको ऑन नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की, यस, जो बेस में इंसान में होता है, जो इंसान को